आपका मेरे YouTube चैनल True Reviews के अंदर, और आज हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे एडिडास किक शूज़ का, जिसका मॉडल नंबर है हेलियन जेड। इस शूज़ का जो MRP है 3299 है। इसको मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया, और देखते हैं क्या खास बात होने वाली है इस शूज़ के अंदर। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। शूज़ का बॉक्स हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ब्लैक और वाइट कॉम्बिनेशन में शूज़ आता है। यहाँ पे आपको एडिडास का लोगो देखने को मिल जाएगा, और जो बॉक्स की हालत है वो काफ़ी डैमेजिंग कंडीशन के अंदर है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा शूज़ का मॉडल नंबर, और यहाँ पे प्राइस देखने को मिल जाएगा। और कुछ खास नहीं है इस बॉक्स के अंदर कि डैमेजिंग कंडीशन में ये बॉक्स हमें देखने को मिलता है। चलिए शूज़ को अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं क्या स्पेसिफिकेशन और क्या खास बात होने वाली है शूज़ के अंदर। तो इस तरीके से शूज़ हमें देखने को मिलता है। ये शूज़ जो मैंने ऑर्डर किया था वो ग्रे कलर के अंदर किया था। तो एक ओवरव्यू मैं दे देता हूँ शूज़ का। और सेकंड पेयर को भी देख लेते हैं। तो बात करते हैं बेल क्वालिटी के बारे में। तो बेसिकली अगर इन हैंड इसकी फीलिंग की बात करूं तो शूज काफी स्टडी लगता है, और ये शूज है वो स्नीकर स्टाइल के अंदर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको काफी डेंस मैश देखने को मिलती है, और यहाँ पे प्योर लेदर का यूज आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको ग्रे कलर का पैटर्न देखने को मिलता है, और यहाँ पे आपको सिल्वर कलर देखने को मिल जाता है शूज़ के अंदर। शूज़ को जब टर्न करते हैं तो यहाँ भी प्योर लेदर का आपको यूज़ देखने को मिलेगा। और ये जो पोर्शन है इसका ज़्यादा डेंस नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, सॉफ्ट ही है। ये जो पोर्शन है सॉफ्ट देखने को मिलता है, और ये हल्का सा आपको हार्ड देखने को मिलता है। तो जो एडिडास का लोगो है, तीन स्ट्रैप वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर, और यहाँ पे भी आपको मैश या जो नेट है वो देखने को मिल जाती है। जो इसकी मैश या नेट की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे, और इसके पीयू लेदर की भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो बात करते हैं सोल के बारे में। तो कंप्लीट ब्लैक कलर के अंदर ये सोल हमें देखने को मिलता है। एंटी स्किड डिज़ाइन है, ये डिज़ाइन है वो एंटी स्किड है, और यहाँ पे एडिडास का आपको लोगो देखने को मिल जाएगा। तो ये शूज़ का जो सोल है वो काफ़ी हार्ड है, जब इसको प्रेस करते हैं तो ये काफ़ी हार्ड आपको देखने को मिलता है। और साइड सोल की बात करें तो ये रबड़ मटेरियल में आपको देखने को मिलता है। बिल्कुल सिंपल से डिज़ाइन में साइड सोल आता है, और कुछ खास नहीं है इसके अंदर। अब बात करते हैं इनर सोल के बारे में। तो यहाँ पे एडिडास का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा, और जब इसको प्रेस करते हैं तो आपको कुशनिंग देखने को मिलती है। एक बार इसका इनर सोल हम एक बार रिमूव करके देखते हैं। जब इसका इनर सोल हम रिमूव करके देखते हैं तो हल्की फुल्की आपको पैडिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। जब इसको यहाँ से प्रेस करते हैं तो इतनी ज़्यादा आपको यहाँ पर कुशनिंग नहीं देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे साइज़ देखने को मिलेगा, और ये शूज़ भी मेड इन इंडिया है। बात करते हैं लेसेस की। तो यहाँ पे आपको फ्लैट लेसेस देखने को मिलती हैं, और लेसेस की क्वालिटी ठीक ठाक है, ज़्यादा सुपीरियर तो नहीं कह सकते इसकी लेस की क्वालिटी को। और बाकी यहाँ पे आपको एडिडास का लोगो यहाँ भी देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं शूज़ के प्राइस के बारे में। तो शूज़ का जो प्राइस है 3299 है, और काफ़ी बड़ा डिस्काउंट इस शूज़ पर मुझे मिल गया था। अराउंड 1300 में ये शूज़ मैंने परचेज़ किया है। जैसे हम लोकल शूज़ खरीदते हैं तो अराउंड उसका जो प्राइस होता है वो 1000 के अराउंड ही होता है। 1000 से 1500 के बीच में आपको शूज़ देखने को मिलते हैं, जो लोकल शूज़ होते हैं।
मैं रिकमेंड करूंगा उनकी जगह पे आप इन शूज़ को परचेज करके दे सकते हैं, क्योंकि इनकी ड्यूरेबिलिटी होती है वो काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहती है। तो ऑल ओवर जो मेरी रेटिंग रहेगी इस शूज़ से रिगार्डिंग वो 7.5 रहेगी। इसकी जो लुक है, बिल्ड क्वालिटी है, वैल्यू फॉर मनी और कंफर्ट से रिगार्डिंग मैं रेटिंग देता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही, और मेरी वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बताएं, और कोई सजेशन हो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे फ्यूचर मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे।